Hey guys, assalamu alaikum, namaste, sat sri akal and welcome back to the channel. तो guys, जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा हमारी गाड़ी का काम करवा लिया भाई, हमने यहाँ पे जो काम करवाना था वो करवा लिया। मिरर वगैरह जो थे उन पे हमने रेडिंग वगैरह करवा ली, वो भी दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो guys, मैंने सोचा साथ साथ कंटिन्यू व्लॉग करेंगे, क्योंकि guys, आपको पता भी हमें अंकल मिलने आए सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो भाई, मेरा दुख दर्द अंकल ही समझ सकते हैं। अंकल कितने टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए, ट्रांसपोर्ट कितने टाइम हो गया? ट्रांसपोर्ट तो हमारी है 50, अपना 1950 से ही लगा लो। 1950 से अपनी ट्रांसपोर्ट है तारन तारा, पंजाब से ही है अंकल। वो दिखा दे भाई। और ये देख रहे भाई। और गाइस, मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस गाड़ी का मैं मॉडल नहीं बताऊँगा। अंकल की गाड़ी अंकल ने शौक से रखी हुई है, बोल रहे हैं ये घर पर खड़ी रहती है हमेशा भाई। और गाड़ी देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो भाई, 1900, मैं इतना भी बोल देता हूँ, मतलब रील भी मिलेगी आपको इंस्टाग्राम पे भाई। और ये बोल दूंगा 1990 से पीछे है मॉडल, ये भी बता देता हूँ। और गाइस, गाड़ी चेक कर रहे भाई, कसम से सुबह ये गाड़ी देख के ना मेरा दिल ही खुश हो गया। देखो नई टायर बिल्कुल फ्रेश। अंकल जाते हैं जब कनाडा में, इसको घर में खड़ा करके जाते हैं, बोलते हैं ये गाड़ी मेरी सबसे पहली गाड़ी है भाई। देख रहे हो पीछे भी अंकल, ठीक हो बढ़िया गाड़ी देख रहे हो भाई, शरान से दोबारा तैयार करो, ये वाली चीज़ चेक कर रहे हो, देख रहे हो भाई, होय होय होय, यहाँ देख रहे भाई, क्या बात है। इसको बोलते हैं गाड़ी। और चाचू ने भी एक सवाल पूछा था अपने FTC व्लॉग 0063, चाचू ने पूछा था ये वाली चीज़ क्यों होती है इन ट्रकों में भाई। अगर ये आपको भी पता है तो आप इसके लिए भी कमेंट कर देना। और अंकल की गाड़ी देख रहे भाई, एक नंबर गाड़ी, कसम से इतनी पसंद आई ना मुझे, मैं अंदर से भी दिखाऊंगा। और यहाँ ये टाटा का है, मर्सिडीज़ का भी लोगो था, टाटा यहाँ पर लिख रहे लोगो। अंकल बोल रहे हैं ये वाली चीज़ मैंने बहुत ढूंढी, अगर ये भी रही ना। हाँ, अगर किसी भाई के पास ये वाली चीज़ है ना पुराने ट्रक्स के पास, तो भाई ये वाली चीज़ मेरे पास पार्सल कर देने में अंकल को दूंगा, ये अच्छा नहीं लगता, यहाँ होनी चाहिए पूरी टाटा की। और इसके बाद ना हम इसको आपको इसका इंजन वगैरह भी, अंकल एक बार इंजन खोलेंगे हम। और लाइटें देख रहे हो, पुराने टाइप की लाइटें भाई, चलता भाई लाइटें देख रहे हो बस, ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई। ये इंजन अंकल, ये कौन सा मॉडल का डाला? ये 16-12 का। हाँ, ये 16 मतलब जो S मॉडल गाड़ी है उसका इंजन इन्होंने डाल दिया, क्योंकि पुरानी गाड़ी का ना स्पेयर पार्ट वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो गाइस, ये चीज़ चेक कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो भाई, ये वाला इंजन एक नंबर अंकल है, ये भी कलर करके रखा। उसके बाद आपको दिखा देते, चेसी वगैरह भी कलर करके रखी है, देख रहे हो सारी गाड़ी में नए टायर फ्रेश बिल्कुल। अंकल अंदर से दिखाते हैं फिर, दिखाओ। चलो भाई अंदर चलते हैं, देख रहे हो गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। तो ये कैबिन नया बनाया राजा भाई की गाड़ी, कैबिन नया बनाया इसका। हाँ चलो भाई, सनी देवल की मूवी में देखा था ये भाई, सो रहे हैं पता नहीं यार। और हाँ भाई देख रहे हो, सोने की जगह एक बंदा सो सकता है आराम से, कैबिन भी छोटा है इसका। और स्टीयरिंग देख रहे हो भाई, ये वाला स्टीयरिंग कभी ना किसी भाई ने देखा ही नहीं होगा। और इसके गियर वगैरह देख रहे हो, कितने गियर है, पाँच गियर। और अंकल ने ना फुल पावर करवा दी, यहाँ देख रहे हो ये आ गया एक्सीलेटर, वायरिंग वगैरह देख रहे हो, लाइट पुरानी लाइट लगी हुई है, ये रहा हॉर्न, क्या बात है भैया। ये कैबिन इसका देख रहे हो, मतलब अंकल ने ना ये नहीं है कि इनको पैसा कमाना या कुछ है, ये खुद कनाडा सेटल है, इन्होंने मतलब अपने शौक से रखी हुई है। तो बोल रहे हैं मैं काफ़ी टाइम बाद आया, तो मैंने सोचा एक चक्कर ही लगा लेते हैं। देख रहे हो भाई, काफ़ी बंदे खड़े हो गए। और गाइस अंदर से देख रहे हो, जैसे मर्सिडीज़ में बैठा हूँ, मुँह देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे कनाडा का ट्रक चला रहा हूँ, ऐसे ही होते हैं ना कनाडा के ट्रक्स वगैरह के, देख रहे हो। हाँ जी, क्या हुआ, अच्छा लगा शेदा? देख रहे हो भाई, स्टीयरिंग कितना प्यारा लगा, इन्होंने चेंज नहीं करवाया, इन्होंने मतलब यही रखा हुआ है। और मीटर वगैरह यहाँ देख रहे हो मीटर। और भाई अगर किसी भाई ने चीटिंग की, इसका नंबर देख के अगर वो मॉडल सर्च किया तो वो नहीं चलेगा, और आप करेक्ट बता सकते हो। जिस भाई का कमेंट बिल्कुल करेक्ट हुआ, मैं उसको अपना GoPro गिव अवे कर दूंगा, ये भी मेरा ही वादा है, मेरा प्रॉमिस है भाई, ठीक है। अंदर देख रहे हैं, तो चलो भाई अंकल से बात वो करते हैं, उन्होंने कितने टाइम से क्या करते हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो गाड़ी कहाँ छोड़ते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। चलो भाई मिलेंगे फिर, ठीक है मिलेंगे। तो अंकल को बोल दिया भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम लगे अंकल को जाना भी, आप बहुत तारन तरह जाना है भाई यहाँ से बहुत। अंकल ने बोल दिया कि बेटा आप आओगे कभी तारन तरह आओ, उसके बाद ना इस गाड़ी का फुल रिव्यू देंगे, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ क्या कौन सी क्या। और भाई अपने भाई आए कश्मीर से, यहाँ देखे ट्रक अच्छा लगता है, मैं जा रहा हूँ इनके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, ठीक है अंकल, बाय बाय। अच्छा लगा इसका मूड, ये वाली शो होनी चाहिए पता है। मेरे भाई छोटे छोटे भाई आए मुझे मिलने, आप ठीक हो, खैरियत से ठीक है? अपने भाई देखो यहाँ पढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, मेहनत करो। और गाड़ियों वाड़ियों के लिए आप वीडियो में रहे तो अच्छी लगती होगी, लेकिन गाड़ियों के लिए सोच रहे हो भाई? नहीं नहीं, ऐसा
ठीक है। तो भाई चलो अपने भाइयों से मिलते हैं, भाइयों के साथ बैठते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से और अपना थोड़ा सा काम रह गया वो भी करवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद उसको भी देखना है, जाना है ना अपने। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं गाइस और फाइनली भाई अपना बाज रह गया, देख रहे भाई ये वाली चीज़ लगाना है इसमें ना, हमने ब्लू लाइट वगैरह लगवा ली साइड पर, क्योंकि गाइस ये वाली चीज़ ना बहुत अच्छी लग रही है, तो हमने सोचा यार काफ़ी टेंट पुराना हो गया, टाटा वाली चीज़ निकाल देते उसके बाद ये लगेंगे। शाम के 6 बजने वाले हैं भाई और अभी भी सरांद में ही है गाइस, अपनी गाड़ी का जो काम पेंडिंग था ना वो वाला हो रहा है अभी अभी, अपने आदिल भाई आए इलेक्ट्रिशियन वाले, अपने भाई अपने पास आ गए, भाई को फ़ोन किया इमरान भाई बहुत मोटे हो गए दिल्ली चल चल के, इस बंदे ने इनको कमज़ोर किया, छोटू जाएगा इनके साथ घर और अपने साथ शहदा भाई और आपको दिखा देते हैं भाई, कमेंट करके बोलना भाई ये वाली चीज़ उतार के हमने अच्छा किया या नहीं, पहले ये थी भाई देखो ये लकड़ी इसकी ख़राब हो गई है, काफ़ी टाइम से ये गाड़ी के साथ वाली चीज़ देख रहे हो, ये वाली चीज़ उतारी क्योंकि गाइस कुछ नया करना चाहिए और आदिल भाई पक्का काम कर रहे हैं भाई देख रहे हो पक्का काम, और ये रहा अपना बास, अब ये फिट कैसे होगा कैसे लगेगा वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद गाइस ये वाला दाग देख रहे हो ये मूंछ का है, ये सारा साफ करेंगे भाई, ये टाटा है अपना, इस पर भी कुछ लिखेंगे कुछ कलर करेंगे कुछ यूनिक सा करेंगे, चलो पहले ये वाली चीज़ लग जाए उसके बाद देखेंगे। तो गाइस अपना टाइम हो चुका है छोटे भाई को घर भेजने का क्योंकि घर में काम है भाई, अटेंड करना ज़रूरी है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ जा रहा ना यार रोना चाहिए थोड़ा, 21 तारीख को वापस नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए मैंने बोला जाएंगे और अपने शायद भाई के साथ ही जाएंगे, आराम से ले जाना ये वाला सामान मैं आपके हाथ दे रहा हूँ, ये वाला सामान ये सामान हम जैसा आपको दे रहे हैं हमें वैसा ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, ये याद रखना सूखा उठा नहीं होना चाहिए। तो गाइस फाइनली भाई अपना बाज हो चुका है सेट भाई, यहाँ देख रहे हो ओए होए 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 होए, गाइस कमेंट करके बोलो ये वाली प्यारी चीज़ कैसी लग रही है आपको, और भाई यहाँ देख रहे हो ये वाला जो दाग है ना ये वाली बिल्कुल साफ वगैरह कर देंगे और यहाँ ना रेड कलर करवा देंगे, बाकी ये कमेंट करके बोलना ये वाली लाइट कैसी लगी और भाई डिम लाइट के साथ लगा देंगे, डिम जब जलेगी तब कैसा लगा, एक नंबर है एक नंबर मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हाँ ये वाली चीज़ खोल के रख दे भाई, देखो ये वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि शायद भाई ये वाली चीज़ें भी काम आती है, इसको रखते हैं छत के ऊपर, हमें ना ये तो फिर भाई किसको अपने किसी और भाई को आ जाएंगे, किसी और भाई को भाई किसी और भाई को भी अगर जरूरत हुई तो मुझे बोलना भाई ये मैं गाड़ी में रख रहा हूँ ये वाली मूछ आपको काम आएगी, कोई बात नहीं भाई इसको गिव अवे कर दे, जो भी अपना भाई जिसे नीड होगी भाई वो ले जाएगी ले जाएगा भाई, हम दिखाते ही नहीं यार किसके पास गई किसके पास नहीं, तो गाइस चलो भाई आप चलेंगे और वो वाली ये वाली चीज़ जो है ना ये इसको भी स्प्रे वगैरह करेंगे, देख रहे हो ये शायद भाई ये साथ वाली है जब गाड़ी ली ना तब साथ वाली है, भाई कहाँ नहीं की देख रहे हो एक नंबर लग रहा है गाइस, तो चलो पहले ये रखते हैं छत पे उसके बाद में देखते हैं भाई आगे निकले, और गाइस ये वाली चीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर, तो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से भाई, आप सरांद को बोल दिया बाय, शहदा भाई कर रहे हैं एडिटिंग मेरी, थैंक यू सो मच मेरी जान एडिटिंग, यावर भाई ले रहे नज़ारे, तो भाई देख रहे हो छोटू भी चला गया, आप गाड़ी में ना कोई भी नहीं दिख रहा है भाई, एक बात बोलूँ भाई जो भाई अपने साथ कंटिन्यू चले ना अगर वो गाड़ी में ना हो ना तो गाड़ी भी थोड़ी क्या लग रही है खाली सी खाली लग रही है, तो यहाँ देख रहे हो गाइस एक और नई चीज़ एक नई चीज़, तो भाई हम जस्ट अभी वीडियो को पब्लिक करने वाले हैं, देखते हैं कि इस वीडियो पे कैसा प्यार मिलता है, तो उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ब्लॉग एडिट करेंगे, अदरवाइज ना भाई हम नहीं करते हम डालते ही नहीं एक्टिंग है। तो गाइस रात के 7 बज चुके हैं भाई और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अम्बाला, अम्बाला भी टूल पार करके रुक के गाइस, और भाई गैस करो यहाँ कौन आने वाला है हमें मिलने, तो अभी आप भाई का वेट कर रहे हैं, तो भाई ने बोला राजा भाई 2 मिनट रुको क्योंकि गाइस अपनी गाड़ी में ना यूरिया थोड़ा कम ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई दिक्कत वगैरह ना हो जाए, भाई देख रहे हो एक यहाँ सो गया शदा भाई वहाँ बैठे एडिटिंग कर रहे हैं, पता नहीं रील्स एडिट कर रहे हैं हमारी क्या कर रहे हो, तो गाइस आपको दिखा देते हैं भाई जो बाज वगैरह हमने लगाया था अभी सरांद में वो दिखाएंगे उसकी लाइट वगैरह कैसी है, तो चलो भाई नीचे चलते हैं और वो बाज वगैरह दिखाते हैं, ये वाली चीज़ चेक कर रहे हो भाई, काश ये हमने पिंक डाला होता भाई तो ज़्यादा मस्त होता, ठीक है ये भी अच्छा ही लग रहा है भाई, तो मेरी गाड़ी में ना यूरिया बहुत ज़्यादा कम है, तो गाइस आपको पहले भी बोला था गैस करो मेरे पास कौन आ रहा है भाई, मैं हमेशा आता हूँ किससे मिल के आता हूँ, देख रहे हो अपने जान अपने भाई दे नाली भाई से मिल के जाना ही, और काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है क्योंकि भाई की ना सर्जरी वगैरह हुई थी थोड़ा घर में ही रेस्ट ले रहे काफ़ी, आप भी दोनों भाई निकल गए इधर से, कहाँ जा रहे हैं भाई यूरिया लेने, भाई देख रहे हो और गाड़ी देख रहे हो ये स्टीयरिंग ना पहले भी आपने देखा होगा व्लॉग में पुराना मॉडल, ये है पंजाब की शान भाई, ये वाली जिप्सी देख रहे हो बम्बू भाई की जिप्सी है ये वाली, आजा मित्रा, तो चलते हैं भाई गली से ही जाएंगे आगे दुकान है, तो पहले चलते हैं सीधा यूरिया वेल वगैरह ले लेते हैं शादाब और उसको वहाँ छोड़ के आगे, तो वापस जाएंगे भाई फिर रातों रात ही निकल जाएंगे अपने स्टेशन पे, वहाँ गाड़ी अनलोड करके भाई उसके बाद भी आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है शायद मे भी हो सकता है भाई, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली गाड़ी यहाँ छोड़ के, आपको पता भी है छोटू भी घर चला गया क्योंकि उसको ना घर पर फंक्शन था वो अभी सरांद से ही वापस गया, तो गाड़ी मुझे अकेली लेके जानी पड़ेगी, तो चलो चलते हैं पहले यूरिया वगैरह ले लेते हैं भाई फिर चलते हैं आगे,
तो पहुंच चुके अपने भाई की शॉप पे भाई, यूरिया की दो बकेट हमने ले ली भाई, और आप ना इसका प्राइस सुन के शॉक हो जाओगे। भैया कितने में दिया आपने? 1050 भाई। देखो हर जगह जा रहा हूँ ना मैं, 1300, 1350, 1100, 1100 लास्ट कोई मतलब जान पहचान वाला होगा 1100, नहीं तो 1200 मैक्सिमम। तो भाई की शॉप कहाँ पे? हरियाणा मोटर स्टोर, मोटर मार्केट, अम्बाड़ा सिटी। बस भाई जितनी मर्जी आओ बकेट ले जाओ भर भर के। वापसी हमें कितने दे रहे हो? 600-700 बाल्टी लेके जाएंगे। हाँ, जितनी मर्जी ले। सही है भाई, देख रहे हो, अगर हमें 200-300 रुपए भी बचेगा ना वो भी हमारे लिए बहुत है। बाबूजी ने तो खा दियो फिर, कई बार बाबूजी इधर बैठे हुए। बाबूजी ख्याल रखना, फोन करेंगे अगर कोई फोन करेगा तो भाई उसको मिलेगी वहाँ पे? हाँ मिलेगी, ऑन रोड मिलेगी, रोड पे। भाई देखो अगर हाईवे से आप निकल रहे हो ना, फोन करोगे, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। फिर राजा भाई ने, राजा भाई नाम मेरा लेना पड़ेगा कि राजा भाई के ब्लॉग से नंबर लिया। और भाई ऐसा है कि ये ना कि मैं इनका नंबर दे रहा हूँ और आप करोगे उसके बाद कि राजा भाई का नंबर दे रहा हूँ। भाई फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ आपके पास, नंबर मेरा इनके पास नहीं है, नंबर के चक्कर में फोन नहीं करना। बाकी जो भाई यहाँ से दिल्ली चल रहे हैं ना, दिल्ली से वापस कश्मीर चल रहे हैं, तो भाई आप यहाँ से बकेट वगैरह मांग सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगी रोड में। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर कोई डबल नंबर यहाँ लिख दो आप, मुझे कार्ड वगैरह या कुछ भी देख लिख दो, भाई जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेंगे। हाँ। भाई ये रहा भाई का कार्ड, यहाँ देख रहे हो भाई सारे नंबर वगैरह, मैं नंबर साथ में मेंशन कर दूँगा। यहाँ देख रहे हो भाई, क्लियर ही नहीं है, दिख रहा है ना? हाँ ये नंबर है, देख रहे हो। आपको कितनी भी बाल्टी चाहिए ना आप ले सकते हो, बाकी भी और भी स्पेयर पार्ट है। टाटा का है या सारी गाड़ियों का? टाटा ले लैंड भाई, देख रहे हो बड़ा स्टोर है भाई, जो चीज़ आपको वहाँ से महंगी मिलेगी ना यहाँ से सस्ती वगैरह मिलेगी। इधर भी दिखा देते हैं भाई, ये देख रहे हो भाई, ओए होए होए टाटा। और भाई एक चीज़ है, यहाँ की गारंटी है भाई, जो ये टाटा की है ना बॉडी, ये ओरिजिनल है, इसकी गारंटी है। स्कैन करो जो मर्जी करो, यहाँ स्कैन लगाओगे हर एक पे, टाटा ही टाटा। फिल्टर भाई, फिल्टर कितने में आ रहा है? फिल्टर कितने में आ रहा है? ये वाला आ जाओ, ये वाला BS6 का ना, अब यूरिया खत्म होगा ना वापसी पे, हम 2-3 बाल्टी भाई से ले लेंगे। ये कार्ड में रख रहा हूँ, ओरिजिनल स्कैन करके लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई ओरिजिनल स्कैन करके लो, मैं वापस आऊंगा फिर भी आऊंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है, बकेट वगैरह रख ली अपनी गाड़ी में, एक ये और एक दोनों डालेंगे ना। हाँ तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं। और गाइस एक नई चीज़ ली हमने भाई, ये वाली चीज़ देख रहे हो, यूरिया डालने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये मुँह नहीं जाता यूरिया, आना पंप करो बाहर काट लो। भाई बोल रहे हैं मुँह में नहीं जाता भाई, जब मैंने नई नई गाड़ी ली थी ना तो मैंने यूरिया पूरा पी लिया था, मेरी हालत दिख रहा, पाइप डाल के निकाला था यूपी में भाई। तो चलो भाई चलते हैं, ये 4x4 नहीं है ना, वो खड़ी है पीछे 4x4। तो गाइस गाड़ी अपनी कर ली वहाँ पे पार्क भाई, और वहाँ से लाइट वगैरह लगा ली, यहाँ देख रहे हो सबसे इजी तरीका भाई, पाइप का मज़ा देख रहे हो। इसको क्या करना पड़ता है, बस यहाँ से प्रेस किया और अपने आप माउंट डाल गया, मतलब मुंह में डालने का चक्कर ही नहीं है, मुंह में डालने का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे ही खींच लो है। अच्छा हमको सिखा रहा है, चलो दोनों बाल्टी वगैरह डाल लेते हैं फिर भाई यहाँ से निकलेगा। तो गाइस रात के 9 बज चुके भाई, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें की, ठीक है फिर जाने सोनू भाई का, बहुत जल्दी आ जाए मिलना तनु, ठीक है भाई, भाई को बोलते भाई क्योंकि अपनी गाड़ी का बात अच्छा लग रहा है बात। हाँ बाहर एक नंबर, चल ठीक है मेरे जाने मिलेंगे। चलो भाई भाई चला गया घर, क्योंकि इनको घर जाना है भाई, और गाड़ी देख रहे हो भाई एक नंबर भाई ये गाड़ी, और अपने बाद भी देख रहे हो बाद भी चमक रहा है। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं भाई, सीधा पहुँचते हैं किसी होटल में, खाना वगैरह खा लेंगे, रात को ही हम अपनी जगह पहुँच जाएंगे और गाड़ी कल यहाँ पार्क करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे अब भाई हम कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं। चलो ठीक है फिर समीर, अपने ठीक है, बाय बाय। चलो भाई तो गाइस रात के 10 बज चुके भाई, और फाइनली हम पहुँच चुके अपने स्टेशन पर जहाँ हमने गाड़ी अनलोड करनी है, वहाँ पहुँच चुके हैं भाई। और इस बंदे ने ना हमें खजल किया, क्योंकि गाइज 1 किलोमीटर पीछे पहले ढाबा था, वहाँ मैं रुकने लगा था, इस बंदे ने बोला नहीं राजा भाई आगे चलो आगे आगे, हम यहाँ पहुँच गए। और गाइज यहाँ ना कोई खाने का ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, तो अब इसी बंदे को स्पेशल भगाएंगे यहाँ से, सीधा जाएगा खाना लाने, अकेले जाएगा। यो जोगिंदर थारो भाई जोगिंदर, अकेले जाओगे? अकेले जाऊंगा भाई, तीन बोल रहे सेब वेब खा लो गुजारा कर लो भाई, ऐसे गुजारा नहीं होता भाई। देखो खाने की अपनी जगह है, सेब की ना अलग अलग थैली लगाई हुई है इसने। तो कैसे चलो खाना वगैरह आ जाए भाई, खाना वगैरह खा के सो जाएंगे, सुबह देखते हैं क्या अपडेट रहती है क्या नहीं, क्योंकि भाई ने बोला गाड़ी कांटे के पास लगाओ, सुबह देखेंगे वेट वगैरह करेंगे फिर बताएंगे कहाँ अनलोड होगी। तो करते हैं साथों साथ इस प्यारे से ब्लॉग को यही ना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।